अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शहर और जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में उपस्थित देवास जिले के प्रभारी सम्माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, लूटा जा रहा है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ किसानों के हक में खड़ी रहती है, किसानों के मुद्दे को लड़ती है और जब वक्त आता है तो किसानों का भला भी करती है। हमने गेहूं भी खरीदा है, हमने सोयाबीन जिस टाइम जो तुमने तत्काल घोषणा करी थी कि 1 मार्च से हम गेहूँ 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे और 2200 रुपए हम बोनस देंगे। साथियों, जबकि हमारा वादा था कि हम 2700 रुपए MSP पे करेंगे, हाँ अपना 2600 का था, इनने 2700 करा। बताओ कि गेहूं की फसल अब बिल्कुल कटाई चल रही है और मंडियों में भरमार आवक हो रही है। किसानों का आज 2000 से 2200 रुपए गेहूँ बेचना पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश की झूठी निकम्मी सरकार और कि हमारे कांग्रेस को तो आप लोगों को अभी कह रहे थे, दयालु जी कह रहे थे कि यार गांव के आते नहीं जाते नहीं, आप सबकी भी जवाबदारी बनती है। आप भी गेहूं गांव का ही खाते हो और कांग्रेस का ही खाते हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता की जवाबदारी बनती है कि कांग्रेस की जब भी सरकार आई थी तब किसानों का हित करा था। मैं 200 रुपए किलो में ब्लैक मार्केटिंग भ्रष्टाचार मोदी सरकार के उद्योगपति कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार जो MSP की बात है, पिछले जब आंदोलन हुआ था, जब कई किसानों ने गोली खाई थी, 2275 रुपए में मोहन यादव जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों गेहूं खरीद रही है, इसका सीधा सीधा यह संबंध है कि 2500 रुपए में बिकता था, जब 3500 रुपए में सोयाबीन मध्य प्रदेश में बिका था। हम जब खाद की थैली बेचते थे सेंट्रल में, या सेंट्रल से खाद की थैली मध्य प्रदेश में आती थी, तो वो खाद की थैली 600-700 रुपए तक की होती थी, आज वही थैली 1800 रुपए। जब हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र बन रहा था तब हमने 2500 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य का वादा कांग्रेस और शहर कांग्रेस को यूं देना पड़ा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश की ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो है छन्नू पहलवान या अशोक सोलंकी जी, किंतु इन झूठे लोगों को सरकार बनाने के लिए 2700